फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको मूव टेस्ट की जो 5 सीरीज में ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ, सीरीज 6 है, जिसमें सीएचओ के जो 2019-2020 के लिए पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो एम्स के एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए और जो अदर स्टेट और सेंट्रल के लिए एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग की वैकेंसी में, उनके लिए बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और साथ में वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो अदर पैरामेडिकल कैटेगरी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन के लिए हो, फार्मासिस्ट हो या फिर ओटी टेक्नीशियन, जो भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ पर आज के वीडियो में आपको टोटल 30 क्वेश्चन है, विथ रेशनल के सभी क्वेश्चन हैं और प्रीवियसली रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जितनी भी सीरीज़ मैंने रेडी की हुई हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो रेलवे के चाहे एम्स के, उसमें एटलीस्ट 70-80% क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। तो आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं इस चैनल के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले सीरीज स्टार्ट करूँ, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था, विच ऑफ़ दी फॉलोइंग वैक्सीनेशन रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। तो एडोलसेंट गर्ल्स के लिए कौन सी वैक्सीन है जो रिसेंटली रिकमेंड की जाती है, तो वह टीटी की वैक्सीन। तो यहाँ पर आंसर आएगा एटिटनस टॉक्साइड वैक्सीन। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ़ दी फॉलोइंग विटामिन डेफिशियंसी कॉज वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कौन से विटामिन की कमी के कारण वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम की कंडीशन होती है। ए विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6। सर इज द करेक्ट आंसर इज विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी के कारण है जो वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम की कंडीशन होती है। सो विटामिन B1 डेफिशियंसी कैन कॉज द वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। और वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन B1। तो वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या है? एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो विटामिन B1 और थायमिन की कमी के कारण होता है। और मेनली ये जो एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं, वो क्रॉनिक एल्कोहल मिसयूज करने वाले पेशेंट होते हैं, उन्हीं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर हाइड्रोसेफेलस इज। तो हाइड्रोसेफेलस के लिए जो सर्जिकल इंटरवेंशन है, सर्जिकली ट्रीट करने के लिए हाइड्रोसेफेलस को कौन से सर्जिकल इंटरवेंशन और सर्जिकल मेथड यूज़ करके ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए BT सेंट, बी ग्लेनसेंट, सी बाईडायरेक्शनल सेंट और डी BP सेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा BP सेंट। जो BP सेंट है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल सेंट है BP सेंट। इट्स अ मेडिकल डिवाइस दैट रिलीव प्रेशर ऑन द ब्रेन कॉज्ड बाय द फ्लूड एक्यूमुलेशन। एक्चुअल में हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड है वो बढ़ जाता है, उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए BP सेंट का यूज़ किया जाता है, जिससे जो एक्यूमुलेट फ्लूड है उसको बाहर निकाला जा सके। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर हाइड्रोसेफेलस BP सेंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट। और यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है, मैं उनको भी क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो वाई डायरेक्शनल सेंट है, इसका यूज़ क्यों होता है? कार्डियक सेंट इज अ पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट दैट डेविटेट्स फ्रॉम द नॉर्मल सर्किट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो बाई पैराइडल सेंट है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? हार्ट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लालॉक टॉसिंग सेंट्स और BT सेंट। तो इसका यूज़ होता है जो भी फ्लो ऑफ ब्लड में किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट आता है ग्लेनसेंट। ग्लेनसेंट इज अ सर्जिकल ऑपरेशन फॉर चिल्ड्रन बॉर्न विथ द साइनोटिक हार्ट डिसीज़। जो ब्लू बेबीज होते हैं और साइनोटिक हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए ग्लेनसेंट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि जो साइनोटिक और ब्लू बेबीज़ कौन से बेबीज़ कहलाते हैं, तो कहलाते हैं साइनोटिक हार्ट डिसीज़ वाले बेबीज़ को, ब्लू बेबीज़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच इज़ द प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन फॉर द अक्यूरेंस ऑफ रियोमेटिक फीवर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के लिए कौन सा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर और प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण उनको रियोमेटिक फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर फेरेंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, सी रेनाइटिस और डी कॉन्ड्राइटिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा फेरेंजाइटिस, क्योंकि फेरेंजाइटिस होने के साथ जिन पेशेंट में बार बार रिपीटेड फेरेंजाइटिस की कंडीशन होती है, फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है,
तो उनको रूमेटिक फीवर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी कहा जाता है रूमेटिक फीवर के लिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए फेरेंजाइटिस। और जो यदि बाय चांस यदि ऑप्शन है फेरेंजाइटिस ना आए, सोर थ्रोट या फिर स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन आए, तो भी आपका ऑप्शन स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है, फेरेंजाइटिस भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों केस में है जो रूमेटिक फीवर की कंडीशन हो सकती है। जो चिल्ड्रंस इनकी एज कितनी होती है 5 से 15 साल तक उनमें मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द ड्रग यूज फॉर द क्लोजर ऑफ PDA। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए क्लोज करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है, ए डोपामिन, बी फिनोबारबिटोन, सी इंडोमेथासिन और डी इम्यूनोग्लोबुलिन। फिर इज द करेक्ट आंसर सी इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन मेडिसिन है जिसका यूज जो PDA होते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की कंडीशन होती है उसको क्लोज करने के लिए। देखिए यहाँ पर इंट्रावीनस इंडोमेथासिन और द न्यूअर प्रिपरेशन ऑफ IV आइब्यूप्रोफेन इज फ्रिक्वेंटली इफेक्ट इन क्लोजिंग अ पेशेंट डक्टस आर्टरियोसिस इफ इट इज एडमिनिस्टर्ड इन द फर्स्ट 10 to 14 days ऑफ लाइफ। यदि PDA मीन्स फर्स्ट 10 से 14 दिन तक लाइफ होती है, उस टाइम पे PDA आपने डायग्नोज किया है, डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया है बेबी के लिए, तो वो इंडोमेथासिन का जो IV रूट है उसके थ्रू एडमिनिस्टर करने से यह जो PDA क्लोज हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, बर्थ वेट ऑफ अ चाइल्ड ट्रिपल्स वाई। तो बेबी का जो बर्थ वेट है वो 3 गुना ट्रिपल्स कब हो जाता है, 1 year 6 months, 1 year and 6 months और 2 years। फिर द आंसर इज 1 year। 1 साल में बच्चे का जो बर्थ वेट होता है उसका ट्रिपल 3 गुना हो जाता है 1 year में, तो यहाँ पे आंसर आएगा ये। देखिए यहाँ पे कई बार एग्जाम में ट्रिपल ना हो के डबल भी पूछ सकते हैं कि डबल है जो बच्चे का बर्थ वेट कब हो जाता है। सो एक्सपेक्ट योर बेबी टू डबल हिज और हर बर्थ वेट बाय अबाउट एज ऑफ 5 months। तो 5 months और 6 months में आपके बच्चे का जो बर्थ वेट है वो डबल हो जाता है, और ट्रिपल कब होता है 1 year में। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रेड करेंट जेली स्टूल इज सीन इन। तो रेड करेंट जेली स्टूल किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये जनरली देखने को मिलता है इंटरसेप्शन की कंडीशन में, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डेल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। तो डेल्यूजन किसका डिसऑर्डर है, परसेप्शन, थॉट, मेमोरी और ओरिएंटेशन। तो मेमोरी के तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर हैं, बट यहाँ पर जो डेल्यूजन है ये किसका थॉट डिसऑर्डर है, और जो परसेप्शन जो और थॉट डिसऑर्डर है इनमें मेनली कंफ्यूज होते हैं। तो जो डेल्यूजन तो हो गया थॉट डिसऑर्डर, बट यहाँ पे परसेप्शन के जो डिसऑर्डर इनको याद रखिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आता है। परसेप्शनल डिसऑर्डर है डेलीरियम, हेलुसिनेशन, सिजोफ्रेनिया, सीजर, लीजन, कॉग्निशन डिसऑरिएंटेशन, ये सभी किसके हैं, परसेप्शनल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ हेलुसिनेशंस आर कॉमन इन सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया के पेशेंट में किस टाइप का हेलुसिनेशन मेनली देखने को मिलता है, कॉमन होता है, तो वह ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेलुसिनेशन है सीजोफ्रेनिया में ये कौन सा है, वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, टार्डिव डिस्काइनेसिया इज अ। तो टार्डिव डिस्काइनेसिया है क्या है, साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, कॉज ऑफ डिमेंशिया, कॉज ऑफ मैनी और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। सॉरी, तो टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या है, साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं उनको, उनका एक साइड इफेक्ट है। तो एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन किसके लिए यूज़ की जाती हैं, सिजोफ्रेनिया और जो अदर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनको ठीक करने के लिए। तो जनरली जो टार्डिव डिस्काइनेसिया TD में क्या होता है, स्टिफ जर्की मूवमेंट्स ऑफ योर फेस एंड बॉडी दैट यू कांट कंट्रोल। तो जो टार्डिव डिस्काइनेसिया में ऐसे जर्की बॉडी स्टिफ हो जाती है फेस की, मेनली आपका फेस और बॉडी इस तरीके से स्टिफ और जर्की मूवमेंट्स हो करेगा कि जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या है, साइड इफेक्ट है एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन इज। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे आप याद रखिए पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स आफ्टर द ऑपरेशन के बाद है जो कौन सी एक मेनली साइकेट्रिक कंडीशन देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन है डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मैनिया और डेलीरियम। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, डेलीरियम है जो मोस्ट कॉमनली होने वाली पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु कॉइंड द टर्म सीजोफेनिया? जो सीजोफेनिया टर्म है इसको किसने दिया था? क्रेपलेन, सेंडर, ब्लूलर और मेयर ग्रॉस। तो सीजोफेनिया टर्म है ये दिया था ब्लूलर ने। द टर्म सीजोफेनिया वॉज कॉइंड बाय 1910 1910 में जो स्विस साइकेट्रिस्ट थे पॉल यूगन ब्लूलर, जिन्होंने सीजोफेनिया वर्ड टर्म को डिस्क्राइब किया था, दिया था। सीजो का मतलब यहाँ पर होता है स्प्लिट और फ्रेन मीन्स माइंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरप्रोमाजीन इज यूजुअली नॉट एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनियसली एज इट कैन कॉज सीरियस। तो क्लोरप्रोमाजीन को जनरली है जो इंट्रावीनस रूट के थ्रू नहीं दिया जाता है, एडमिनिस्टर नहीं की जाती हैं। तो ये क्यों नहीं की जाती हैं, इनमें यदि इनको आईवी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तो कौन सा सीरियस कॉज हो सकता है? ए डिस्टोनिया, बी ट्रिमर, सी सेरिब्रल एडिमा और डी हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी हाइपोटेंशन। नेक्स्ट इज, और जो क्लोरप्रोमाजीन है इनको भी, इनको भी आपके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्लोरप्रोमाजीन क्या है? एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, जिनको जो फिनोथियाजिन्स ग्रुप की मेडिसिन है और इनका यूज़ होता है जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं सीजोफेनिया मैनिक डिप्रेशन, उनको ट्रीट करने के लिए मेनली एडल्ट में यूज़ की जाती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए क्लोरप्रोमाजीन मेडिसिन है जो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 13, ECT इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो ECT मीन्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो ECT है जो किन में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, मीन्स उनको नहीं दी जा सकती, प्रेगनेंसी, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हाइपरटेंशन और पार्किंसनिज्म। तो मेनली जो ECT है जिनका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो उनको नहीं दी जाती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ECT के लिए। रिसेंट MI और स्ट्रोक, जिनको 30 डेज के अंदर है जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और स्ट्रोक हुआ उनको नहीं दी जाती है। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो, जिनका एक्टिव ब्लीडिंग हो स्पेशली कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और रेटिनल डिटैचमेंट एंड अनस्टेबल डेंटिशन, तो उनको है जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है ECT के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो इनमें से कौन सी है जो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? तो सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट और रेशनलाइजेशन है, तीनों तो डिफेंस मैकेनिज्म है, बट इनहिबिशन है जो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सी। यहाँ पर ये देखिए आपको 12 टाइप अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूट के द्वारा दी गई डिफेंस मैकेनिज्म है, कंपनसेशन, डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, रिप्रेशन, रिचुअल एंड अनडूइंग एंड सब्लिमेशन। तो ये सिगमंड फ्रूट के द्वारा दी गई डिफेंस मैकेनिज्म की लिस्ट है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म से हर बार एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन 15, एग्रोफोबिया इज ड्रेड ऑफ। एग्रोफोबिया में है जो किससे डर लगता है? स्ट्रॉन्ग लाइट, स्ट्रेंजर, ओपन प्लेस एंड पेन। एग्रोफोबिया में किससे डर लगता है? ओपन प्लेस से। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सी, ओपन प्लेस। देखिए यहाँ पर कॉमन फोबिया है जिनकी लिस्ट दी हुई है। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना। एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से डर लगना। एरेक्नोफोबिया मीन्स फियर ऑफ स्पाइडर, जो मकड़ी होती है, स्पाइडर होती है, उनसे डर लगना। एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। यहाँ पे ये देखिए स्ट्रॉन्ग लाइट है तो एस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट आता है ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने में डर लगना। क्लस्ट्रोफोबिया, ये बहुत बार आ चुका है, याद रखिए आप। क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ कन्फाइंड और क्राउडेड स्पेस। हीमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ ब्लड। हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप क्लस्ट्रोफोबिया, हीमोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, चार हैं जो इनको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड पॉइंट है। नेक्स्ट आता है ECT वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है जिसको फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इनको ECT को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था स्कारलेटियन बिन्नी ने। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी। और एक चीज़ और यहाँ पे आपके लिए बनती है कि फर्स्ट ट्रीट करने वाला मींस पहली बार ECT किस पेशेंट पे ट्रीट यूज़ की गई थी? तो वो इन्हीं पे हुई थी, कर्लेटियन बिन्नी पे, जो फर्स्ट ह्यूमन थे जिनको ECT के थ्रू ट्रीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, द पोजीशन गिवन टू अ पेशेंट विथ इंक्रीज्ड ICP। जिस पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो उसको कौन सी पोजीशन दी जाएगी, विथ पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी जिसका ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है? तो उसको दी जाएगी हेड एंड एलिवेटेड टू 30 डिग्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, हेड एंड एलिवेटेड टू 30 डिग्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द ऑन्कोजीन्स विच आर प्रेजेंट इन कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। तो
कौन से ऑन्कोजीन प्रेजेंट होंगे जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो होते हैं BRCA फर्स्ट और BRCA सेकेंड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी BRCA। नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजर स्विच इज इन ऑफ पोजिशन इज, तो सिंक्रोनाइजर स्विच है जो किस में देखने को मिलता है, तो देखने को मिलता है डिफेब्रिलेशन में, तो यहाँ पे आंसर होगा ए डिफेब्रिलेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ मेडिकेशन मैक्सिमाइज कार्डियक परफॉर्मेंस इन क्लाइंट्स विथ हार्ट फेलियर बाय इंक्रीजिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो किस क्लास की मेडिसिन है जो कार्डियक परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करेंगी जब पेशेंट को हार्ट फेलियर की कंडीशन हो, तो जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगी, कौन सी क्लास की मेडिसिन है जो हेल्प करेंगी, तो वो होंगी आइनोट्रॉपिक एजेंट्स। फिर इज द आंसर इज डी आइनोट्रॉपिक एजेंट्स हैं जो जब पेशेंट को हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो जो कार्डियक परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए बढ़ाने के लिए और जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए है आयोनोट्रॉपिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 द एंटीडॉट फॉर पैरासिटामोल इज, तो पैरासिटामोल के लिए कौन सा एंटीडॉट यूज़ होता है, तो वो एन एसिटाइल सिस्टीन। आप लोग जो एंटीडॉट्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको सेपरेटली मिल जाएगा, तो आप चाहे उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पैरासिटामोल के लिए कौन सा एंटीडॉट यूज़ होता है, तो वो एन एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 क्रिएटिनिज्म इज कॉज्ड बाय द कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ, तो क्रिएटिनिज्म है जो कंजेनाइटल डेफिशिएंसी है किसके कारण होती है, तो ऑप्शन है यहाँ पर ADH हार्मोन मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन, थायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड एंड एड्रिनेलिन हार्मोन। तो यहाँ पे क्रिएटिनिज्म जो वर्ड है कंडीशन किसके कारण होती है थायरॉयड हार्मोन के कारण, तो यहाँ पे आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज सिक टेस्ट इज डन टू डायग्नोस ऑफ, तो सिक टेस्ट का यूज है किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, तो ये होता है डिप्थीरिया को, डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या बी डिप्थीरिया। सिक टेस्ट इज डन टू डायग्नोस ऑफ डिप्थीरिया। नेक्स्ट इज जयपुर फूट हैज एन एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल प्रोस्थेटिक फीट बिकॉज, तो यहाँ पर जो जयपुर फूट है एक टाइप के प्रोस्थेटिक फीट हैं, तो इनका यूज़ है जो क्यों मेनली किया जाता है, इसका क्या मेन एडवांटेज है। ऑप्शन ए सेपरेट मेल एंड फीमेल फीट आर अवेलेबल, सेम फूट कैन बी यूज लाइफ लॉन्ग ड्यूरेबल है मीन्स इट कैन बी यूज विदाउट अ फुटवेयर बेयर फुट वॉकिंग पॉसिबल एंड डी इट मैच एनी स्किन कलर, तो यहाँ पर जयपुर फूट है उनका मेन एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज विदाउट अ फुटवेयर, बिना फुटवेयर जूता चप्पल के भी इनको पहन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हैं जयपुर फूट, इनकी इमेज दी हुई है, लो कॉस्ट प्रोस्थेटिक लेग हैं जो नॉर्मल लेग जैसे ही देखने में लगते हैं, तो इनको आप बिना जूते बिना फुटवेयर के भी पहन सकते हैं, इस टाइप से मिलते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई ट्यूबरकुल बैसिलाई इन स्पुटम, तो मेनली जो कौन सी लेबोरेटरी टेक्निक यूज़ की जाती है ट्यूबर बैसिलाई का पता लगाने के लिए, स्पुटम में थूक में है जो स्पुटम में ट्यूबरकुल बैसिलाई प्रेजेंट है या नहीं, तो कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, तो वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग। यहाँ पर ट्यूबरकुल बैसिलाई है क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसको कॉज करने का एजेंट है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ट्यूबरक्लोसिस को लेके, कई बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। माउंटेक्स टेस्ट है जो क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसमें जो PPD है वो कितने टाइम में रिजल्ट पॉजिटिव शो करता है, ये सभी क्वेश्चन हैं जो ट्यूबरक्लोसिस को लेके बनते हैं, तो आप लोग प्लीज़ याद रखिए क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस हुआ बहुत सारी जो कॉमन डिसीज है उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा एसिड फास्ट स्टेनिंग, और जील नेल्सन स्टेनिंग भी ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ की जाने वाली एक टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26 मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज, जो कनेक्टिव टिश्यू मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सार्कोमा। और यहाँ पर जो अदर वर्ड दिए हुए हैं कार्सिनोमा ऑस्टियोमा मेलेनोमा, इनको भी क्लियर कर दूँ, तो कार्सिनोमा क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द सेल दैट मेकअप द स्किन और द टिश्यू लाइनिंग ऑर्गन्स, टिश्यू लाइनिंग ऑर्गन्स मेनली उनमें होता है लिवर और किडनी में। नेक्स्ट है ऑस्टियोमा, तो ऑस्टियोमा क्या है, यहाँ पे ऑस्टियो वर्ड प्रेजेंट है मीन्स बोन से रिलेटेड कैंसर है। नेक्स्ट आता है मेलेनोमा, मेलेनोमा वर्ड प्रेजेंट है मीन्स यहाँ पर जो स्किन और जो पिगमेंट है स्किन पिगमेंट उनसे रिलेटेड जो मेलेनोसाइट्स हैं उसी में होता है, बट रेयरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट सॉरी जो मेलेनोमा है कभी कभी स्किन के साथ साथ जो रेयर ऑर्गन है माउथ और इंटेस्टाइन आँखों में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27
The most lethal arrhythmia is most common, most dangerous arrhythmia कौन सा है? तो वो ventricular fibrillation. Ventricular fibrillation is a heart rhythm problem that occurs when the heart beats with rapid erratic electrical impulses. Next है यहाँ पर next question हम देखते हैं question number 28. Contact precaution are used in caring a patient with contact precaution का जो किस टाइप के पेशेंट की केयर करने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो होता है MRSA जो पेशेंट है उनके लिए. तो यहाँ पर MRSA का क्वेश्चन है जो रिसेंट में स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था NHMMP के लिए उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इसमें एक जो मेडिसिन यूज़ होती है इसमें उस एंटीबायोटिक का नाम पूछा गया था. बट यहाँ पर ये यह है कि कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन किस टाइप की पेशेंट की केयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो है MRSA पेशेंट मीन्स मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस. वो क्या है? MRSA इज अ बैक्टीरियम दैट कॉज इन्फेक्शन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो MRSA है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिसीज क्रिएट करता है इन्फेक्शन क्रिएट करता है. इट्स टफर टू ट्रीट देन मोस्ट स्ट्रेंस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस. इसको ट्रीट करना बहुत टफ है बट कुछ कॉमन एंटीबायोटिक हैं जो यूज़ की जाती हैं. और जो MRSA का ट्रीटमेंट है इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के सिम्टम हैं और आप कितने ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं. और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो वेंकोमाइसिन नाम की मेडिसिन है एंटीबायोटिक इसका यूज़ किया जाता है. ये नाम आप याद रखिए कि MRSA के ट्रीटमेंट में फर्स्ट चॉइस मेडिसिन कौन सी है तो है वेंकोमाइसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29. अ स्पेसिफिक मास्क यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ H1N1 इज. तो H1N1 जो वायरस है इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन से मास्क का यूज़ किया जाता है? ए फेस मास्क, बी हेपा मास्क, सी वेंचूर मास्क और डी रीब्रीदर मास्क. तो यहाँ पर जो हेपा मास्क है इसका यूज़ है जो स्पेसिफिक मास्क है जो H1N1 के जो वायरस है उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये हेपा मास्क है क्या? हेपा रेस्पिरेटर्स हाई एफिशियंसी पार्टिकल एब्जॉर्बिंग. इसका फुल फॉर्म याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हेपा. तो यहाँ पर हेपा का फुल फॉर्म होगा हाई एफिशिएंसी पार्टिकल एब्जॉर्बिंग आर द रेस्पिरेटर्स दैट द हेल्थ केयर फील्ड इंक्लूडिंग EMS फॉर्मली यूज फॉर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन. तो जो भी हेपा मास्क का यूज है मेनली जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो एयरबॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज क्रिएट करते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं. तो यहाँ पर H1N1 फ्लू रोकने के लिए H1N1 वायरस जो बॉडी में एयरबॉर्न रूट के थ्रू एंटर होता है उसको रोकने के लिए कम करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हेपा मास्क का यूज़ किया जाता है जिससे जो भी एयरबॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग का ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पर आंसर होगा सी पाम, बैक, बैक ऑफ हैंड एंड रिस्ट. तो ये 3 पॉइंट हैं जो ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग में आते हैं. एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है. द पोजिशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड आफ्टर क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज. एक बच्चे की जो क्लेफ्ट लिप सर्जरी हुई है उसके लिए कौन सी पोजिशन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दस. बाय बाय.